Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. Hello and welcome viewers. आप सबसे काफ़ी टाइम के बाद हम मीट कर रहे हैं. आई होप आप सब फाइन होंगे. लास्ट वीक वी वर नॉट अवेलेबल वी बिकॉज आवर टीम इज़ ऑन एनुअल मीट टू ऋषिकेश एंड मार्केट के अंदर भी काफ़ी सारी छुट्टियाँ थी एंड मार्केट ने थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई. तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, जिसके ऊपर हम आज शूट करने वाले हैं, इसके अंदर हम एक ऑप्शन स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड एज बैटमैन स्ट्रेटजी, जिसके अंदर बेसिकली हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक ऐसी रेंज बनाएंगे जिसके अंदर 1000 पॉइंट्स की निफ्टी की रेंज रहनी चाहिए. ये जो स्ट्रेटजी बनाएंगे हम नेक्स्ट मंथ के लिए बनाएंगे एंड समझेंगे इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए. तो सबसे पहले हम चलते हैं एक वेबसाइट पे विच इज़ कॉल्ड एज ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज. तो ये मैंने वेबसाइट खोल ली है ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज. इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास निफ्टी आ रही है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर दे रहा हूँ ऑप्शंस एंड आई वुड बी मेकिंग दिस स्ट्रेटजी फॉर 26th of September. इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कॉलम खरीदेंगे जो कि हमारी रहेगी 25400 की. तो 25400 की कॉल मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ जिसका प्रीमियम है 167 एंड 25900 की मैं कॉल सेल कर रहा हूँ जिसमें मैं 4 लॉट सेल कर रहा हूँ जिसका प्रीमियम है 51.45. आई एम पुटिंग इट ऑन एड. इसके अलावा आई एम डूइंग वन मोर थिंग जिसके अंदर मैं 24300 की पुट जिसका प्रीमियम है 146 ये मैं बाय कर रहा हूँ 1 लॉट एंड इससे 500 पॉइंट दूर की यानी 23700 की पुट जिसका प्रीमियम है 65 इसके 4 लॉट सेल कर रहा हूँ. अब इसके अंदर हमारी ये जो स्ट्रेटजी है ये कुछ इस टाइप की स्ट्रेटजी बन रही है जिसके अंदर अगर आप सबने बैटमैन को देखा हो तो आप सबको पता होगा बैटमैन के 2 कान होते हैं एंड इस टाइप से ये एक स्ट्रेटजी रहती है. ठीक है. हाँ, अब इस स्ट्रेटजी के अंदर जो हम नीचे जाएंगे तो ये क्या है, हमारा पॉइंट है लॉस का. लॉस क्या है, इट इज़ अनलिमिटेड. ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा चले जाएंगे तो भी हमारा लॉस क्या आएगा, अनलिमिटेड. बट बाजार अगर इस रेंज के अंदर रह गया, नॉर्मली बाजार जो है हमने काफ़ी बड़ी रेंज ली है जो कि नियरली मोर देन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन से भी ज़्यादा है, यानी मोस्ट प्रोबेबली जो बाजार को रहना है वो इस रेंज के बीच में ही रहना चाहिए. अब जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्मली निफ्टी के अंदर जो मंथ की रेंज रहती है वो 1000 पॉइंट्स के आसपास रहती है, तो हमने इस स्ट्रेटजी को ऐसा डिफाइन करा है जिसके अंदर 82% प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी जीतने की है. मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा आएगा 18,890, बट ये कब आएगा, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर के इस पॉइंट पे बंद हो जाएगी या बहुत ज़्यादा बढ़ के इस पॉइंट पर बंद हो जाएगी. तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये हमारे क्या आ रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट के पॉइंट्स हैं, दिस एंड दिस. अदरवाइज मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगी तो भी हमें क्या रहने वाला है, प्रॉफिट ही आने वाला है. जो हमारी रेंज बन रही है इसमें 23449 से लेके 26118 की रेंज है. इसके अंदर जो मार्जिन चाहिए वो हमारे को चाहिए नियरली अबाउट 2 लाख रुपीज़ जो कि हमारा मार्जिन रहने वाला है. और अगर मार्केट इस रेंज के बीच में बंद होएगी तो भी हमारे को 3890 का प्रॉफिट आएगा ही आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2% के आसपास हमारे को अगर रेंज के बीच में रहेंगे तो भी प्रॉफिट आएगा. अगर रेंज के बाहर निकलेंगे तो अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने एक पुट खरीद रखी है और 4 पुटें बेच रखी हैं, या एक कॉल खरीद रखी है और 4 कॉलें बेची हुई हैं और नीचे की तरफ से एक पुट खरीदी हुई है और उसके अगेंस्ट 4 पुटें 500 पॉइंट दूर की बेची हुई हैं. तो बीच की रेंज में हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट आने वाला है. तो इस तरह से अगर आप चाहें तो स्ट्रेटजी बना सकते हैं. इस स्ट्रेटजी को नोट डाउन कर लीजिएगा एंड वॉच करिएगा कि नेक्स्ट पूरे मंथ के अंदर क्या मार्केट हमारी जो एक्सपेक्टेड रेंज है 23449 से
26118 के बीच में मार्केट बंद हुई या नहीं हुई। तो इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं बैटमैन स्ट्रेटजी, एंड जो इसका पे ऑफ डायग्राम है कुछ इस टाइप का है जो कि बैटमैन के जैसा है। वैसे इस स्ट्रेटजी के अंदर लॉस हमारा अनलिमिटेड है, बट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप एज अ फ्रेशर हैं, रिटेलर हैं, तो सिर्फ इसको पेपर ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, और वॉच करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि इकोनॉमिक कैलेंडर है। नेक्स्ट वीक जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहने वाले हैं मार्केट के अंदर, क्या क्या डाटाज आने वाले हैं। तो मंडे जो है इज़ द डे जिसके अंदर विच इज़ फ्रॉम 26, ये जो हमारा वीक है ये 26th of August से लेके 31st of August तक रहने वाला है। मंडे इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द मार्केट, कोई खास डाटा नहीं आने हैं। ट्यूज़डे इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आना है जो US के अंदर आना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डे। वेडनेसडे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है एंड द इम्पॉर्टेंट डाटा। तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री से आप सबको ऑलरेडी पता है किन किन कंपनीज़ को, टायर कंपनीज़ को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को, पेंट कंपनीज़ को, इन सबको ज़्यादा इम्पैक्ट मिलता है। इसके अलावा गैसोलीन की इन्वेंट्री आनी है। थर्सडे FOMC मेंबर बॉस्टिक स्पीक, एक ये आना है। थर्सडे को US में GDP डाटा आना है जो कि 1.4 से बढ़ के 2.8 फोरकास्टेड है, अच्छा आना चाहिए। तो थर्सडे वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डे जो कि आफ्टर मार्केट आएगा, एंड थर्सडे को हमारी इस बारी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो फ्राइडे हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है, और नया मंथ भी स्टार्ट हो जाएगा हमारा ऑन दी एक्सपायरीज, तो वहाँ पर एक हमारे को अच्छी मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट डाटा जो GDP का आना है। इसके अलावा जॉबलेस क्लेम्स का डाटा भी आना है US के अंदर फ्राइडे। फ्राइडे इज एन इम्पॉर्टेंट डे अगेन, FOMC मेंबर बॉस्टिक स्पीक्स, एक ही आनी है। RBI फेडरल रिजर्व बैंक का कुछ डाटा आना है। इसके अलावा फेडरल फिस्कल डेफिसिट आना है जो इंडिया का आना है। फॉरेक्स रिजर्व इज एन इम्पॉर्टेंट डाटा फॉर इंडिया। RBI मॉनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू आना है, एंड GDP डाटा आना है विच इज़ अगेन ऑन फ्राइडे। ये सारे डाटाज जो आने हैं, ये सारे हमारे जो इंडिया के डाटाज हैं, ये सारे हमारे जो आने हैं आफ्टर मार्केट आने हैं, मतलब 3:30 के बाद, 5 o'clock, 5:30 एंड 5:30। तो GDP का इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डाटा जो इंडिया का आना है विच इज़ ऑन फ्राइडे। तो मंडे अगेन हमारे को मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव ऑन दीज डाटाज देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा थोड़ा सा डल रहना चाहिए वीक, एक्सपायरी की वजह से कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स उनके अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, एंड जो हमारे इंपॉर्टेंट डाटाज हैं इनका ध्यान रखना है, GDP डाटा US का एंड इंडिया का। तो इन सारे डाटाज का ध्यान रखिएगा एंड वॉच करिएगा मार्केट को, ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़े कॉशियसली करिएगा। एंड चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर एंड देखते हैं लास्ट वीक जो हमारे लेवल्स थे उनके अकॉर्डिंग मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा। लास्ट वीक जो था हमारा ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 19th, तो 16th को जो मार्केट बंद हुई थी, ये हमारी जो बंद हुई थी इट इज़ अबव द मंथली लेवल। अगर आपको ध्यान हो हमने यहाँ पर ही बात कर दी थी कि निफ्टी जो है वो बिल्कुल हमारा जो मंथली लेवल है वहीं पर ही आके सपोर्ट ले रही है। लास्ट टू लास्ट वीक भी अगर आप चेक करेंगे तो हमारी वीडियो के अंदर यही दिया हुआ था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बाजार को इसको तोड़ना नहीं चाहिए चाहे कोई बड़े से बड़ा इवेंट भी हो जाए। और देखिए मार्केट गिरी, मंथली लेवल के पास ही सपोर्ट ली और वहाँ से वापस हो गई। तो लास्ट वीक हर सर ने भी यही बताया था आपको कि हम जो हैं मंथली, वीकली एज वेल एज डेली लेवल्स पे, तो मंथली पे हम तेज ही थे, वीकली पे भी तेज थे एंड डेली पर भी हम तेज थे। तो लास्ट वीक जो मंथली लेवल था हमारा वो था 23992, ये वाली सपोर्ट। वीकली लेवल जो था हमारा 24334 एंड 24320 वीकली एंड डेली लेवल्स थे, यानी 24300 के आसपास हमारे को एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल रही थी। और फ्राइडे को हम तेज होके बंद हुए थे, उसके बाद मंडे मार्केट ऊपर गई, ट्यूसडे भी ऊपर गई, वेडनेसडे भी ऊपर गई, थर्सडे भी ऊपर गई एंड फ्राइडे को हम फ्लैट रहे, यानी पूरे हफ्ते
मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, क्योंकि सारे पैरामीटर्स पे हम तेज थे, तो धीरे धीरे मार्केट क्या होती रही, तेज ही होती रही। तो चलिए अब नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीक जो है एक इम्पॉर्टेंट वीक है, एक्सपायरी इवेंट है, एंड जो हमारे निफ्टी के लेवल्स रहेंगे इनको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। 23992 मंथली सपोर्ट हमारी वही है, मंथली पे हम अप ही हैं। वीकली, अब वीकली सपोर्ट हमारी जो है वो चेंज हो गई है, वीकली में 24636 जो है ये हमारी वीकली सपोर्ट आ गई है, एंड डेली सपोर्ट 24680 आ गई है। तो यानी जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो तेजी में ही रहेंगे, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो भी तेजी में रहेंगे, और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो भी सब तेजी में ही रहेंगे एज पर यूडीडीएस लेवल्स। स्टिल 24600 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट पूरे वीक के लिए। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर एंड देखते हैं बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक कैसा परफॉर्म करा। लास्ट वीक बैंक निफ्टी जो थी हमारी मंथली पे हम बाय ही थे, बट वीकली एंड डेली, मंथली वी वर इन अ बाय बैंक निफ्टी, बट मंथली एंड डेली पर हम क्या थे, सेल थे। जो हमारा मंथली लेवल था वो था 5889 एंड वीकली एंड डेली का जो लेवल था 5586। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हमारी 19th को हमारे को सेलिंग मिली, 20th को मार्केट ने हमारा जो ये वाला लेवल था वीकली लेवल के भी ऊपर आ गई 20th, विच इज़ दिस इज़ मंडे, दिस इज़ ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे एंड दिस इज़ फ्राइडे। तो मार्केट ने ट्यूसडे को हमारे डेली एज वेल एज वीकली दोनों लेवल्स के ऊपर आ गई थी। उसके बाद इसके ऊपर ही रहे, इसके ऊपर रहे, ऊपर रहे, कल रेड कैंडल मिली, बट अगेन डेली पर भी अब हम तेज हो गए हैं। तो लास्ट वीक हमारा जो निफ्टी जो थी वो ज़्यादा स्ट्रांग थी देन बैंक निफ्टी, एंड धीरे धीरे निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी को भी उसी डायरेक्शन के अंदर ही पलट दिया। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए लेवल्स, देर इज सर्टेन प्रॉब्लम इन दी बैंक निफ्टी लेवल्स, तो मैं उसको यहाँ से बता देता हूँ। मंथली हमारी जो सपोर्ट है, हम तेज ही हैं, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, मंथली हम तेज हैं, एंड मंथली की जो हमारी सपोर्ट आ रही है वो 5889। वीकली चार्ट पर भी हम इस रेड के ऊपर, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई है, तो वीकली चार्ट भी अब हमारा क्या हो गया है, इट इज़ नाउ अप विद द सपोर्ट ऑफ 5666। डे पर भी हम तेज हो गए हैं, एंड डे की जो अब हमारी सपोर्ट आ रही है इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, डे पर भी हम अप हो गए हैं, एंड जो डे की हमारी सपोर्ट है वो है 5894। तो जो इंट्राडे के ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो सारे तेजी में रहेंगे, पोजिशनल ट्रेडर्स भी तेजी में रहेंगे, एंड जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो भी तेजी में ही रहेंगे। आई होप आप सबको ये लेवल्स क्लियर होंगे, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC इज नाउ अ स्कूल ऑफ 10 मिलियन लर्नर्स, अवार्डेड ट्वाइस बाय दिल्ली सिटी आइकॉन अवार्ड्स। सो लेट्स बिगिन यूडीटीएस ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC।